वेलकम टू भारत रेसिंग टिप्स। भारत रेसिंग टिप्स कवर करता है इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूके, आयरलैंड, फ्रांस रेसिंग सेंटर ऑन डेली बेसिस। आज हम बात कर रहे हैं यूके रेसिंग सेंटर गुडविट, जिसमें 8 रेस कार्ड है। 8 रेस कार्ड्स के अंदर ऑलमोस्ट 3 गुड बेट्स प्लस 2 कन्फर्म बेट्स अवेलेबल है। सो मैं स्टार्ट करते हैं रेस बाई रेस प्रीव्यू। उससे पहले गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर ये सिलेक्शन आपके लिए हेल्पफुल है तो देन अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए। थैंक यू। फर्स्ट रेस हमने 3 सिलेक्शन दिया हुआ है, 4 विथ 44%, 14 विथ 38%, 2 विथ 18%। टॉप टू हॉर्स सिलेक्शन का डिफरेंस देखिए, यहाँ पे लेस देन 10% है, एंड बॉटम टू हॉर्स का सिलेक्शन का जो डिफरेंस है वो मोर देन 10% है। इस कंडीशन में सिस्टम सजेस्ट करता है नंबर 14 फॉर प्लेस। फर्स्ट रेस में हॉर्स नंबर 14 प्लेस में आना चाहिए। सेकेंड रेस 1 39%, 2 38%, 5 23%। टॉप टू हॉर्स सिलेक्शन का डिफरेंस है यहाँ पे लेस देन 10%, ओनली 1% है, एंड बॉटम टू हॉर्स सिलेक्शन का डिफरेंस है मोर देन 10%। इस कंडीशन में सिस्टम सजेस्ट करता है नंबर 2 फॉर प्लेस, नंबर 2 फॉर प्लेस। रेस थर्ड 10 40%, 12 38%, 3 22%। टॉप टू हॉर्स सिलेक्शन का डिफरेंस है यहाँ पे ओनली 2%, एंड बॉटम टू हॉर्स सिलेक्शन का डिफरेंस है लेस मोर देन 10%। इस कंडीशन में सिस्टम सजेस्ट करता है नंबर 12 फॉर प्लेस, बट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फर्म बेट्स फॉर इच वे, कन्फर्म बेट्स फॉर इच वे हॉर्स नंबर 10। ये जो है हमारे गोल्डन रूल्स के अनुसार है। तो गाइज, गोल्डन 5 गोल्डन रूल्स है जो मैंने के एक वीडियो डाला हुआ है हॉर्स बेटिंग के लिए, आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं 5 गोल्डन रूल्स हॉर्स बेटिंग। वो सक्सेसफुल है अभी तक मैंने जो किया हुआ है उसके अनुसार से। तो रेस थर्ड में 10th नंबर हॉर्स नंबर 10 विन प्लेस में आना चाहिए, इसलिए इसको मैंने कंफर्म रखा है गोल्डन रूल्स के अनुसार से। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ नंबर 10 एज ए इच वे प्रोस्पेक्ट। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हमारे ब्लॉग को भी विजिट कर सकते हैं, bharatracingtips.blogspot.com। रेस 4 10 39%, 11 35%, 8 46%। टॉप टू हॉर्स सिलेक्शन का डिफरेंस है यहाँ पे लेस देन 10%, एंड बॉटम टू हॉर्स सिलेक्शन का डिफरेंस है लेस देन 10%। इस कंडीशन में यह रेस ओपन फील्ड लगता है, बट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फर्म बेट्स फॉर इच वे हॉर्स नंबर 11, हॉर्स नंबर 11। रेस फोर्स में हॉर्स नंबर 11 विन प्लेस में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू हमारे गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स के अनुसार हॉर्स नंबर 11 विन प्लेस में आना चाहिए, तो पर्सनली सजेस्ट नंबर 11 एज ए इच वे प्रोस्पेक्ट। रेस 5 में 8 44%, 11 30%, 9 26%। टॉप टू हॉर्स सिलेक्शन का डिफरेंस है यहाँ पे 14%, एंड बॉटम टू हॉर्स सिलेक्शन का डिफरेंस है लेस देन 10%। विद 14% डिफरेंस मैंने इसको रखा है गुड बेट्स नंबर 1 में। तो रेस 5 हॉर्स नंबर 8 शुड विन हियर, तो रेस 5 में हॉर्स नंबर 8 यहाँ पे जीतना चाहिए और ये मेरा गुड बेट्स नंबर 1 है। रेस 6 9 44%, 4 31%, 8 25%। टॉप टू हॉर्स सिलेक्शन का डिफरेंस है यहाँ पे 13%, एंड बॉटम टू हॉर्स सिलेक्शन का डिफरेंस है लेस देन 10%, 10% से कम है। इस कंडीशन में सिस्टम सजेस्ट करता है नंबर 9 फॉर विन, और ये मेरा गुड बेट्स नंबर 2 है। रेस 7 9 39%, 3 37%, 5 24%। टॉप टू हॉर्स सिलेक्शन का डिफरेंस है यहाँ पे लेस देन 10%, एंड बॉटम टू हॉर्स सिलेक्शन का डिफरेंस है मोर देन 10%। इस कंडीशन में सिस्टम सजेस्ट करता है नंबर 3 फॉर प्लेस, नंबर 3 फॉर प्लेस। रेस 7 में हॉर्स नंबर 3 प्लेस में आना चाहिए। रेस 8 4 47%, 7 29%, 1 24%। टॉप टू हॉर्स सिलेक्शन का डिफरेंस है यहाँ पे 18% का, 18%, एंड बॉटम टू हॉर्स सिलेक्शन का डिफरेंस है लेस देन 10%। और 18% डिफरेंस आज के दिन में इंक्लूडिंग 8 रेस कार्ड में सबसे हाईएस्ट डिफरेंस है, इसलिए इसको मैंने रखा हुआ है नैप बेस्ट बेट ऑफ द डे। तो रेस 8 में हॉर्स नंबर 4 यहाँ पे जीतना चाहिए, और ये मेरा गुड बेट्स नंबर 3 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए गुड डे।